हेलो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डे थ्री क्रेश कोर्स ऑफ जे एंड टुडे डिस्कस रिगार्डिंग पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन द सेंटर ऑफ सेट ऑफ ऑल सर्कल ईच ऑफ रेडियस थ्री लाई ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव क्या बोल रहे हैं ऐसा एक सर्कल है कि जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस इसका फाइ है ऐसे सर्कल के ऊपर जिसके सेंटर है ऐसे ढेर सारे सर्कल है जिसका रेडियस थ्री यूनिट है फ्रेंड्स ये देखा जाए तो ये थ्री यूनिट लिखा है ऊपर भी थ्री यूनिट एक्सटेंड होगा तो क्या पूछा है देन फाइंड द लोकस ऑफ एनी पॉइंट इन द सेट ऑफ सर्कल मतलब ये सेट ऑफ सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे पूरा ये पोर्शन कवर अप हो जाएगा ए वाला पूरा ए ए बाहर वाला पोर्शन कवर अप हो जाएगा ये पोर्शन सेट ऑफ सर्कल बोला जाएगा उसके बारे में ये लोग पूछ रहे तो यहाँ पे मैंने गुजराती में भी लिखा हुआ है आप उसको भी देख सकते हो फ्रॉम द इक्वेशन रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट सर्कल क्या होगा फाइव प्लस थ्री होगा क्योंकि रेडियस थ्री है फाइव प्लस थ्री एट हो जाएगा और रेडियस ऑफ इनर मोस्ट सर्कल गिव यू मॉड्यूलस फाइव माइनस थ्री इट विल बी टू तो डेट्स ऑल प्रॉब्लम सॉल्व वो कैसे ये टू रेडियस वाले से बड़े और एट रेडियस वाले से छोटे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू फोर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू सिक्सटी फोर डैट मीन्स लोकस क्या होगा फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर यही होगा लोकस का इक्वेशन फोर लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू सिक्सटी फोर सेकेंड वाला देखते हैं नंबर टू नंबर टू में क्या पूछा है थ्रू अ पॉइंट कैपिटल ए ऑन विच द एक्स एक्सिस अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेल टू वाई एक्सिस सो एज टू मीट द पैर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन्स ए एक्स स्क्वायेर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो इंड बी एंड सी देखो यहाँ से पहले इतना पढ़ो इज ड्रॉन पैरेल टू वाई एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन पैरेल टू वाई एक्सिस ड्रॉन की गई है यहाँ पे ये मैंने जो दिखाई वो और क्या बोला गया है कि भाई यही स्ट्रेट लाइन पे एक पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इसको इक, इसका इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो वो इंटरसेक्ट कर रही है ये स्ट्रेट लाइन को कौन कौन से पॉइंट में बी एंड सी में इंटरसेक्ट कर रही है और आगे क्या पूछा गया कि सच डेट ए बी इक्वल टू बी सी मतलब ये दोनों इक्वल हो ऐसे तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एच ए एंड बी एच ए एंड बी एक कोफ़िशंट में हमें रिलेशन फाइंड करना है आइए देखते इसमें एल वन यूनियन एल टू ये दोनों का कॉम्बो इक्वेशन क्या होगा ये दोनों लाइन का कॉम्बो इक्वेशन इधर लिखा हुआ है और इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स उसको एक्सक्वेयर से डिवाइड कर लो आप एक्सक्वायर से डिवाइड करोगे तो ए प्लस टू एच वाई बाई एक्स प्लस बी इंटू वाई बाय एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो मिलेगा अब आपको पता है कि ये ओरिजिन में से पास होती हुई लाइन का कॉम्बो इक्वेशन है दो लाइन का इक्वेशन है पैर ऑफ लाइन तो y इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन होगा ओरिजिन में से जो पास होती है वो लाइन का तो वॉट शुड बी m? m इज नथिंग बट y बाई एक्स तो आप एक काम करो ये y बाई एक्स जो दिखता है वहाँ पे m रख दो कैम रख दो एम रख दो बी एम स्क्वायर यहाँ पे बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो इसके दो रूट्स मिलेंगे आपको एम वन एंड एम टू अब क्या करना है एक बार समेशन करो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस टू एच बाई बी और एक बार प्रोडक्ट करोगे तो सी बाई ए के जरिए ए बाई बी मिलेगा अब व्हाट शुड बी स्लोप ऑफ लाइन एलवन लाइन एलवन का स्लोप फाइंड करना चाहोगे तो वो कैसे मिल पाएगा बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है वो स्लोप अगर आपको चाहिए तो ये आपको पता है यहाँ पे एंगल अल्फा पता है मान लो तो टेन अल्फा इज गिवन बाय ए बी अपॉन ओ ए अपन ओ ए वो स्लोप देगा एम वन ए बी अपन ओ ए अच्छा ए बीटा एंगल आप सपोज कर लो तो आपको एल टू का स्लोप मिल जाएगा टेन बीटा टेन बीटा इज़ नथिंग बट सी ए अपन ओ ए बट वॉट इज सी ए टू टाइम्स ए बी तो सी ए इज़ नथिंग बट टू टाइम्स ए बी डैट मीन्स टू ए बी अपन ओ ए इट इज़ कोल्ड एम वन टू एम वन इक्वल टू एम टू तो भाई साहब आपके पास जो इक्वेशन आ गए ना वो एम वन एम टू में एक बढ़िया सा इक्वेशन इस टाइप का आ गया टू एम वन इक्वल टू एम टू अब आपको क्या करना है वो यहाँ पर रखना है तो थ्री टाइम्स एम वन क्या हो जाएगा माइनस टू एच बाई बी होगा अच्छा और यहाँ पे टू एम वन रखो तो टू एम वन स्क्वायर वो होगा ए बाई बी इधर देखो ये लास्ट में लिखा हुआ है वो पढ़ लो तो यहाँ से अब आप एम वन की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करोगे और इतना थोड़ा बहुत तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा एम वन की वैल्यू यहाँ पे सब्सट्यूट करके इसका आंसर आपको रफ़ वर्क में करना पड़ेगा तो एम वन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो आंसर आपको ये मिलेगा एट एच स्क्वायर इक्वल टू नाइन ए बी वो फाइनलाइज हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा बाकी का काम आपको संभाल लेना है बाकी का वर्क आपको देख भी लेना है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री आज का क्वेश्चन नंबर थ्री है और रोड ऑफ फिक्स लेंथ के स्लाइड्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ इट मिस द मिट्स द एक्सिस एट ए ऑफ़ ए जीरो ए ऑफ ए जीरो एंड बी ऑफ जीरो बी देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस वन अपन ए होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन अपन बी होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ के के ग्रेटर जीरो कई लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या करते हैं ए प्लस वन अपन ए दो ये रेसी प्रकल नंबर का सम वैसे भी ग्रेटर और इक्वल टू टू होता है तो कन्फ्यूज ऐसे है रहते हैं कि टू स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर से ग्रेटर और इक्वल टू मतलब इसका मिनिमम वैल्यू वो एट सपोज कर लेंगे हालांकि एट इसका करेक्ट आंसर नहीं है तो आपको इसमें क्या करना है उसकी बात मैं बता देता हूँ एट वो गलत आंसर है इसका K, के के फॉर्म में आपको इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले आइए देखते ए स्क्वायर प्लस बी इज नथिंग बट के क्योंकि लेंथ ऑफ रोड ए रोड का लेंथ जो है वो के है ये यह यहाँ पे स्लाइड हो रहा है वाई एक्सिस पे नीचे की ओर तो एक्स एक्सिस पे आ, राइट मोस्ट साइड ये स्लाइड कर रहा है तब जाके नीचे आएगा अच्छा इसका आंसर आपको फाइंड करना है तो नाउ इट ए स्क्वायर प्लस टू प्लस वन अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू प्लस वन अपन बी स्क्वायर अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए टू प्लस टू फोर हो गया और वन अपन ए स्क्वायर प्लस वन अपन बी स्क्वायर को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेकिन अब क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर है तो के स्क्वायर प्लस फोर प्लस ऊपर वाला के स्क्वायर अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब ए एम ग्रेटर और इक्वल टू जी एम जी हाँ ये आपको पता है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ए एम ले लो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू रियली ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर वॉट शुट बी अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर नथिंग बट मोड मॉड्युलस ऑफ ए बी यहाँ पे ए बी बोथ आर पॉजिटिव डेट इज़ वाई ए बी हो जाएगा लेकिन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को के स्क्वायर भी रख दो अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या पाओगे के पावर फोर अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू फोर बट के पावर फोर मस्ट बी रिटर्न एज के स्क्वायर इन के स्क्वायर एक के स्क्वायर ऊपर दूसरा नीचे ले लो तो ये के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये वाला फॉर्म ये जो यहाँ पे मिला वो वो ग्रेटर और इक्वल टू फोर अपॉन के स्क्वायर हुआ सही है फोर अपॉन के स्क्वेयर मिला अब ये फाइनल हम करते यहाँ से देखो ई e जो एक्सप्रेशन है उसकी ए वैल्यू थी विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू के स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर अपॉन के स्क्वेयर तो मतलब ए वैल्यू इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा मतलब हर एक आंसर ब्लू बॉक्स में जो लिखा हुआ है वही उसका आंसर रहेगा किसी भी क्वेश्चन का आगे क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर फोर में क्या लिखा है भाई इफ पी बी एनी पॉइंट ऑन अ लाइन देन फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच द पॉइंट पी लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन जरा देखो तो सही ये लाइन का स्लोप जो है वो माइनस हाफ है हालांकि इसका भी स्लोप माइनस हाफ है और कॉन्स्टेंट टर्म डिफर है बोथ आर पैरेलल लाइन दैट इज़ वाई पैरल लाइन के बीच में यहाँ पे किसी भी जगह पी होने की कंडीशन क्या है वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे एक्स प्लस टू वाई वन है तो इधर टू से डिवाइड करोगे तो एक्स प्लस टू वाई फिफ्टीन बाई टू मतलब एक्स प्लस टू वाई मस्ट बी लाई बिटवीन वन एंड फिफ्टीन बाई टू मतलब ऐसा पी आप चुन लो जो टी पॉइंट फॉर्म में दिया है टी वेरिएबल है यहाँ पर और वेरिएबल भी बोल सकते हैं पैरामीटर भी बोल सकते हैं ये टी जो पैरामीटर है वो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है वन प्लस टी अपन रूट टू तो एक्स इधर ले लो और वाई कोऑर्डिनेट टू प्लस टी अपन रूट टू यहाँ पर रख दो हालाँकि एक्स प्लस टू वाई लाई बिटवीन वन एंड फिफ्टीन बाई टू ऑब्वियसली वन एंड फिफ्टीन बाई टू के मतलब टी को आपको सब्जेक्ट बनाना है बीच में टी ही रहना चाहिए तो सबसे पहले फाइव सब, सब करोगे उसके बाद रूट टू से मल्टीप्लाई थ्री से डिवाइड तब जाके ये मिलेगा और कुछ ना कुछ वर्क आपको खुद को भी करना पड़ेगा तो आइए मेरे साथ ही वर्क करो कि रफ में सॉल्व करते जाओ आपको इसका आंसर मिलेगा और श्योरली मिलेगा डेफिनेटली टी लाई बिटवीन माइनस फोर रूट टू बाई थ्री एंड फाइव रूट टू बाई सिक्स इट फ्रेंड्स आगे आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर देखते क्वेश्चन नंबर फाइव बिल्कुल बढ़िया सा प्रॉब्लम है क्या लिखा है टू कॉन्जिकटिव वर्टाइसिस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन ए वन से लेके ए सिक्स तक हेक्सागोन के नंबर से ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए सिक्स है ए वन इज़ गिवन बाई वन जीरो ए टू इज़ गिवन बाई थ्री ज़ीरो इफ़ द सेंटर ऑफ हेक्सागोन लाइस अबो द एक्स एक्सिस सेंटर ऑफ हेक्सागोन गॉन कहाँ पर लाई कर रहा है अबोव द एक्स एक्सिस देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ़ द हैक्जागॉन इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ़ द एग्जागॉन ये एग्जागॉन का एक ऐसा सर्कल जिसके सारे वर्टाइसिस कॉमन सर्कल पर हो ऐसा सर्कम सर्कल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है तो लेटेस्ट इट इज़ कोल्ड अ सर्कम सेंटर ऑफ एक्जागॉन नाउ वॉट शुड बी इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पोलीगोन इट इज़ गिवन बाय एन माइनस टू इंटू पाई ओवर एन ये सारे इंटीरियर एंगल बोले जाएंगे ये सारे और ये रेगुलर हेक्सागोन है इसलिए सारे इंटीरियर एंगल कॉन्क्रेंट हो गए तो एन इज़ टेकिंग ए सिक्स सिक्स माइनस टू पाई अपन सिक्स इट विल बी टू पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री मिल रहा है यहाँ पर सेमी इंटीरियर एंगल कितना होगा अगर ये आप जानना चाहते हो कि यहाँ पे सेमी इंटीरियर एंगल क्या होगा तो इसके लिए फ्रेंड्स ये देखो इसको बोलते हैं सेमी इंटीरियर एंगल क्योंकि यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है और ये आइसोसिलिस्ट ट्रायंगल होगा क्योंकि ये रेडियस जितना होगा कैपिटल आर तो सेमी इंटीरियर एंगल इज कॉल्ड सी ए वन ए टू सी ए वन ए टू टू पाई बाई थ्री बाई टू इट विल बी पाई बाई थ्री अब आप इसको कैसे फाइंड कर पाओगे उसको देखने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा देखते मेजर ऑफ एंगल सी ए टू ए वन भी वही का वही होगा और ए वन ए टू आपके पास टू यूनिट है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को ध्यान में रखते हुए क्यों भाई इक्विलेटरल हो गया ए पाई बाई थ्री ए पाई बाई थ्री तो क्लियर कट ये भी पाई बाई थ्री होगा तो मतलब इसका रेडियस जो है वो टू निकलेगा इसका रेडियस ए वन ए टू जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस वाला रेडियस हो जाएगा और ए ये, ये टू रेडियस होगा और ए वन सी मेजरमेंट कितना होगा ये यहाँ पे टू है टू रेडियस होगा और पाई बाई थ्री है हमारे पास तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमारे पास ए वन वन ज़ीरो है और जब भी इसकी बातें करनी होती है एक सिंपल फंडा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ए एक्स एक्सिस है और यहाँ से एंगल आपको पता है पाई बाई थ्री आपको ये एंड पॉइंट चाहिए जो टू यूनिट डिस्टेंस अपार्ट है ये कोऑर्डिनेट चाहिए आपको और इधर वन ज़ीरो है तो भाई साहब ये हो जाएगा वन प्लस आर कॉस पाई बाई थ्री और जीरो प्लस आर साइन पाई बाई थ्री इसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकलेगे वन प्लस आर कॉस पाई बाई थ्री कॉमा जीरो प्लस आर साइन पाई बाई थ्री तो यही फंडा यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है देखेगा यही फंडामेंटल कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी देगा और कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बिकम्स एज वन प्लस टू कॉस पाई बाई थ्री जीरो प्लस टू साइन पाई बाई थ्री जैसे कि एच प्लस आर कॉस्टिटा एच प्लस आर कॉस्ट डीटा एंड के प्लस आर साइन टीटा वही फंडामेंटल आप यूज़ कर सकते हो तो उसको ध्यान में रखते हुए इसका सेंटर मिल गया टू कॉमा रूट थ्री एंड रेडियस इज बीइंग टू रेडियस टू है तो यहाँ पे एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू टू स्क्वायर के हिसाब से ये सिम्प्लीफिकेशन खुद दे दो आपको आंसर मिल जाएगा अच्छा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिखते आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या लिखा है फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन द स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट लाइन को आप रिजोल्व करोगे तो ट्वेल्व के ऐसे पार्ट की एट आ जाए तो टू एंड सिक्स मिलेगा फ्रेंड्स और सेकेंड लाइन को अगर रिजोल्व किया फोर्टी के ऐसे पार्ट की फोर्टीन आ जाए तो नाइन एंड फाइव मिलेंगे ए जो दोनों लाइन है वो दोनों लाइन वर्टिकल लाइन होगी x इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू सिक्स और ये दोनों लाइन होरिजेंटल लाइन होगी वाई इक्वल टू फाइव वाई इक्वल टू नाइन आप क्लियर कट एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू सिक्स के बीच में जो लाइन पास हो रही है उसका इक्वेशन अगर आप चाहते हो तो वो ये दोनों का मीन हो जाएगा एक्स इक्वल टू टू प्लस सिक्स बाई टू एक्स इक्वल टू फोर गॉट इट तो ये लाइन आपको मिलेगी एक्स इक्वल टू फोर अब दो होरिजेंटल लाइन के बीच वाली लाइन ये पासिंग थ्रू मिड पॉइंट आप जानना चाहते हो तो वो भी मीन से ही होगा एरिथमेटिक मीन फाइव प्लस नाइन बाई टू वाई इक्वल टू सेवन एक लाइन है एक्स इक्वल टू फोर दूसरी है वाई इक्वल टू सेवन नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट इज फोर कॉमा सेवन एंड फोर कॉमा सेवन इज द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, सर्कम सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर भी बोला जाएगा सॉरी इन सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर फोर कॉमा सेवन ओके क्वेश्चन नंबर सेवन की और आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेवन में ऐसा लिखा है सर्कल ऑफ रेडियस फाइव यूनिट टच इस बोथ द एक्सिस चलो ये फाइव यूनिट का सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है मतलब आर इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टरन की मैटर है आगे चल के लिखा है लाइज इन द फर्स्ट क्वार्टरन इफ द सर्कल मेक्स वन कंप्लीट रोल ऑन एक्स एक्सिस अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन की और सर्कल उसका कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा मतलब ऐसे आगे बढ़ते 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 एक रिवोल्यूशन कब ख़त्म होगा जब इसका सर्कम जितना वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा टू पाई आर जितना और व्हाट इज़ आर आर इज़ नथिंग बट फाइव तो डिस्टेंस कवर करेगा टेन पाई जितना टेन पाई जितना एडिशनल डिस्टेंस कवर होगा हालांकि एक्स फाई है तो उसमें टेन पाई ऐड कर दो तो वो हो जाएगा टेन पाई प्लस फाइव एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट तो सेम लेवल पे ही रहेगा वो फाइव ही रहेगा तो तब जाके इसका जो फाइनल पोजीशन का है ना फाइंड द इक्वेशन इन द न्यू पोजीशन ऑफ सर्कल न्यू पोजीशन का इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो वो एक्स माइनस टेन पाई माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मिलेगा इसको खुद आप सिंप्लीफाई कर सकते हो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट में क्या लिखा है भाई इफ़ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड द करो एक्स वाई इक्वल टू वन इंटरसेक्ट एट फोर पॉइंट्स देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स ऑर्डिनेट के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं अच्छा एक सर्कल है दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है ये रेक्टेंगुलर हाइपर बोला आर एच बोला जाएगा वो चार पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी वन पी टू पी थ्री पी फोर और हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू वन में आप सब्जेक्ट एक्स को बनाओ पूरा वाई में जो लाना है क्योंकि आपको ओडिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट चाहिए अच्छा तो एक्स की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा उसके चार रूट्स है अब ये चारों रूट का आंसर फाइंड करना है तो व्हाट शुड बी एस आर माइनस वन पावर आर इन ए एन माइनस आर अपन ए आर इस तरीके से इसका फॉर्मूला वर्क करेगा एस आर का फॉर्मूला माइनस वन प्लस टू आर ए एन माइनस आर अपॉन ए आर उसमें आपको आर की वैल्यू जो है ना वो फोर रखनी है और एन तो फोर है ही उसका पावर जो है वो एन बोला जाएगा तो ऊपर ए ज़ीरो आएगा और नीचे ए फोर इसको हम ए फोर बोलेंगे तो ए फोर कोपिशेंट वन है ये जीरो भी वन है तो वन बाय वन से ये सभी का प्रोडक्ट आपको वन मिलेगा और आपको ये फार्मूला ख़ास तौर पे याद रखना है कौन सा वाला फार्मूला एक बार फिर से मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ वो फार्मूला जनाब है एस आर इक्वल टू माइनस वन पावर आर इंटू ए एन माइनस आर अपन ए आर वाला फार्मूला ये फार्मूला याद रखना होगा इसका मतलब है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर रूट्स टेकिंग एट ए टाइम एट ए टाइम आर रूट का सम ऑफ प्रोडक्ट बोला जाएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन में देखते फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बिलोंगिंग टू द फैमिलीज ऑफ द स्ट्रेट लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड इसको जो है ना वो L1 नाम देते हैं हम और इसको L2 तो फर्स्ट वाला है L1 वन प्लस लैमडा एल टू इक्वल टू जीरो फॉर्म एल वन एल टू के इंटरसेक्शन में से ये पास होगी पूरी फैमिली मतलब इसका इंटरसेक्शन मान के चलो एम है और दूसरा वाला जो है एल थ्री एंड एल फोर इसका जो इंटरसेक्शन है वो एन है ऐसा मान के चलो इसमें से ये पास होगी एल थ्री एंड एल फोर तो आप क्या करो एम के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो एन के कोऑर्डिनेट फाइंड करके उसको उसमें से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लो तो आपको कहीं ना कहीं लाइन एम एन और ऐसी लाइन मिलेगी जो कॉमन है दोनों में कॉमन है तो L1 एल टू को हम पहले इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं आइए देखते हैं एल टू के लिए देखो इधर इसका सब्ट्रैक्शन करवाओगे तो एक्स आपको माइनस आप मिला माइनस आप कहीं ना कहीं यहाँ पे रखोगे तो आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा एम फाइंड कर लो एलवन एल टू को सॉल्व करके एल थ्री एल फोर को सॉल्व करके आप एन फाइंड कर लो एम एन एन मिल गए बस आप डिटर्मिनेट के फॉर्म से या टू पॉइंट फॉर्म से एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्लोप पॉइंट फॉर्म कोई भी फॉर्म यूज़ करके आप लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन ये वाले फॉर्म से हमने लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लिया ये आपको खुद करना है आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में और क्वेश्चन नंबर टेन बड़ा ही बढ़िया है रेडिया ऑफ टू सर्कल हैविंग डिस्चॉइंट डोमेन सेट्स अलग अलग डोमेन डोमेन् जिसके ऐसे दो सर्कल यहाँ पे मेंशन किए हैं ये दो सर्कल उसका रेडिया एक का आर वन है मान लो इसका आर वन है रेडिया आर वन और दूसरे का आर टू है ओके दूसरे का रेडियस जो है वो आर टू है इफ लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज़ डी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ डी है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज टी देन डी स्क्वायर माइनस डी टी टी आपको फाइन करना है डायरेक्ट मतलब ये डायरेक्ट टेंजेंट बोला जाएगा और ए ट्रांसवर्स टेंजेंट बोला जाएगा उसकी लेंथ और डी और ए भी डायरेक्ट है ये दोनों लेंथ इक्वल और ट्रांसवर्स की लेंथ इक्वल टी टी इक्वल अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट का लेंथ मिलेगा तो कैसे मिलेगा इसके लिए जो मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पे दिखाया है ब्लैक कलर से वो डायरेक्ट का लेंथ फाइंड करने का पूरा फॉर्मेट है इसको ध्यान में रखो सिर्फ इसको ये सी वन सी टू के बीच का डिस्टेंस अस सपोज डेट एक्स ओके व्हाट शुड बी सी वन सी टू विच इज़ मोर देन आर वन प्लस आर टू मतलब ऐसे डिसजॉइंट सर्कल मिलेगी लेट सी वन सी टू इक्वल टू एक्स और ऐसा भी है कि आर टू इज़ बिगर दैन आर वन अब डी कैसे मिलेगा डी जनाब इससे मिलेगा इधर देखो ये आर वन है और ये कंप्लीट आर टू है तो नीचे वाला हिस्सा क्या आएगा जस्ट इतना इतना होगा आर टू माइनस आर वन आर टू माइनस आर वन तो यहाँ पे आप पाइथागोरस यूज़ कर सकते हो आपको ये डी की वैल्यू चाहिए डी की ले चाहिए डायरेक्ट की तो पाइथागोरस यूज़ करोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर वन होल स्क्वायर तो ये डी का लेंथ मिल जाएगा और अब आपको ट्रांसवर्स का लेंथ चाहिए ओके लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट कैसे मिलेगा उसके लिए आपको जनाब उसके लिए आपको रेड वाला पोर्शन देखना होगा यहाँ से रेड वाला ये ट्रांसवर्स की लेंथ मुझे मिलेगी ये देखो ट्रांसवर्स टेंजेंट है तो ये परोक्ष बोला जाता है प्रत्यक्ष नहीं है ये परोक्ष वाला है इसकी यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने बनाया अच्छा इसका इससे क्या लेना देना है वो भी देख लेते और ये एक्स वन एक्स टू सॉरी सी वन सी टू वो एक्स है हमारे पास और ये आर वन है आर टू इधर इतना है ऊपर आर वन तो आर टू प्लस आर वन बोला जाएगा ये तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर टू प्लस आर वन स्क्वायर अब डी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर रिमूव हो जाएगी और आर वन प्लस आर टू स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर आर वन माइनस आर टू स्क्वायर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन फोर आर वन आर टू मिलेगा अब से भाई साहब ये याद ही रखो कैपिटल डी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ऑलवेज बींग फोर टाइम्स आर वन आर टू डैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच